हेलो ऑल मैन पिता, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पाक साल में। तो मैंने जैसे बताया था, रोजो इज अराउंड द कॉर्नर। और रोजो एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें कि वुमेनहुड को सेलिब्रेट किया जाता है। तो वुमेनहुड को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और एक पीठा या फिर एक रेसिपी के साथ थोड़ी ना होगा। तो इसीलिए मैं आप सबके लिए फिर से एक नया रेसिपी लेके आई हूँ, बट पीठा का रेसिपी लेके आई हूँ। आपको मैंने जैसे पहले भी बताया है, रोजो में पीठा बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए आज मैं आप सबके लिए लाओ पीठा का रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको आप लौकी का पीठा या फिर केक बोल सकते हैं। खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है, हेल्दी भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब ना करके बिल्कुल मत जाइएगा। कमेंट कीजिए कि रेसिपी आप सबको कैसा लग रहा है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी। तो लाओ पिठा या फिर लौकी का केक बनाने के लिए हमें ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। तो देखिए, सबसे पहले इस कप में नाप के मैंने 2 कप जितना उड़द दाल मैंने लिया है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, ये उड़द दाल का छिलका नहीं है और ये प्लेटेड है। तो ये वाले उड़द दाल में 2 कप यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। हमारा जो रेशियो होगा वो 1:3 होगा, मतलब उड़द दाल का रेशियो 1 होगा तो चावल का रेशियो जो है वो 3 होने वाला है। तो यहाँ पे तो मैंने उड़द दाल ले लिया है, इसको हम धोएंगे। उससे पहले देखिए, मैं यहाँ पे दूसरे एक बड़े बाउल में 6 कप जितना चावल मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे वाइट राइस ऐड किया है। राइस के टाइप के हिसाब से हमारा ये जो रेशियो है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, तो मैं यहाँ पे वाइट राइस के हिसाब से बता रही हूँ, तो आप उस हिसाब से ये प्रोसेस फॉलो कीजिएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 1:3 रेशियो में मैंने यहाँ पे चावल और उड़द दाल ले लिया है। उड़द दाल 2 कप और चावल 6 कप। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, दाल बहुत मैला है, तो इसको हम अच्छे से धो के साफ कर लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे दोनों उड़द दाल और चावल को अच्छे से धो के साफ कर लिया है, और अभी हमें इसको भिगोना है। मिनिमम हमें इसको 8 से 10 घंटे भिगोने होंगे ताकि वो अच्छे से फूल जाए और हमें इसको पीस के एक अच्छा सा बैटर बनाने के लिए इजी हो। तो अभी आप जैसे देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड कीजिएगा क्योंकि हमारा उड़द दाल है वो फूलने वाला है, तो वो पानी को सोक करेगा। उसी हिसाब से मैंने, देखिए यहाँ पे चावल में भी जितना ज़रूरी है हमें, उस हिसाब से मैंने पानी यहाँ पे ऐड कर लिया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, चावल के साथ साथ यहाँ पे देखिए, 1 टेबल स्पून जितना मेथी का दाना मैंने यहाँ पे ऐड किया है। ये मेथी का दाना हमारे बैटर को फुलाने के लिए बहुत हेल्प करता है और एक अच्छा टेस्ट भी ऐड करता है। तो देखिए, 8 से 10 घंटे के बाद हमारा जो उड़द दाल है वो कितने अच्छे से फूल गया है आप देख सकते हैं, पास से मैं दिखा रही हूँ। तो इसी तरह हमारा उड़द दाल जो है वो पानी में सोख करके रखने पर वो फूलना चाहिए। और उसी हिसाब से देखिए, चावल भी जो है हमारा वो बहुत अच्छे से वो फूल गया है। तो ये अभी रेडी है, इससे हम पीस के बैटर बना लेंगे। तो अभी देखिए, यहाँ पे मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है, और सबसे पहले मैं उड़द दाल को पीस लूँगी। हम अलग अलग पीसेंगे और उसके बाद मिक्स करेंगे। ऐसे करने पर क्या होगा कि दोनों का जो टेक्सचर है वो सेम आएगा, वरना अगर आप एक साथ पीस लोगे तो टेक्सचर थोड़ा इधर उधर होता है। आप वैसे चाहे तो एक साथ पीस सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे जितने भी उड़द दाल मैंने भिगो के रखा था वो मैंने ले लिया है मिक्सी के जार में, और अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी। ज़्यादा आपको पानी ऐड बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें बैटर जो है वो थिक बनाना है। और इसको मैं अभी एक स्मूथ से पेस्ट में ग्राइंड कर लूँगी। तो अभी आप जैसे देख सकते हैं, हमारा जो उड़द दाल को हमने पीस के कितना सुंदर सा एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। देखिए, मैं आपको ऐसे पास से दिखाती हूँ, आप इसका कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कैसा है। और देखिए, मैं हाथ में आपको ऐसे मसल के दिखा रही हूँ कितना हमारा फाइन पेस्ट बन के रेडी हुआ है। तो इसी तरह आपको बनाना है। तो अभी देखिए, मैं एक बड़े से जगह पे हमारा जो पिसा हुआ उड़द दाल है वो मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। तो देखिए, मैंने पूरा सारा ट्रांसफ़र कर लिया है, और अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो अभी उसी मिक्सी के जार में हमने जितने चावल भिगो के रखे थे वो चावल मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लूँगी, और उसमें से भी एक बहुत स्मूथ सा पेस्ट मैं रेडी कर लूँगी।
तो अभी देखिए मैं जितना भी चावल था वो सारा मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। इसमें भी मैं थोड़ा सा पानी दूंगी, ज़्यादा पानी मत ऐड कीजिएगा। अगर चाहे तो हम बाद में हम बटर में पानी ऐड कर सकते हैं, बट अगर आप पहले से ही उसको ज़्यादा पानी ऐड करके पीस लेंगे तो बाद में और कुछ हम कर नहीं सकते। तो चलिए देखिए मैं इसको अच्छे से पीस लेती हूँ। तो अभी देख सकते हैं हमारा जो चावल का बैटर भी कितना अच्छे से रेडी हो गया है। देखिए कितना स्मूथ है और इसका कंसिस्टेंसी भी आप देखिए कैसा है। देखिए मैं हाथ में से ऐसे मसल रही हूँ तो कितना स्मूथ पेस्ट इसका बना है। तो इसी कंसिस्टेंसी में और इसी स्मूथनेस के साथ चावल का जो बैटर है वो रेडी कर लीजिएगा। अभी जैसे मैंने पहले से बताया था आपको, हम अलग अलग पीसेंगे लेकिन एक जगह पर बाद में हम उन दोनों को इकट्ठे करेंगे। तो देखिए मैंने पहले से उड़द दाल का पेस्ट रखा था एक जगह पे, और अभी जो मैंने चावल का पेस्ट बनाया है वो मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। अभी हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चावल और उड़द दाल का जो पेस्ट है वो एक साथ में आ जाए और एक अच्छा कंसिस्टेंसी भी उसका आ जाए। तो देखिए आप अभी जैसे देख सकते हैं कितना सुंदर सा कंसिस्टेंसी आ गया है। और अभी देखिए मैं ऐसा एक छन्नी ले लूँगी और इसको मैं ऐसे कवर करके छोड़ दूँगी फर्मेंट होने के लिए रात भर। रात भर फर्मेंट होने से क्या होगा, हमारा जो पीठा है या फिर जो केक है वो बहुत ही अच्छा बनेगा, फ्लफी बनेगा और खाने के लिए भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आप इसको रात भर ऐसे छोड़ दीजिएगा फर्मेंट होने के लिए। तो नेक्स्ट डे में देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ कि हमारा जो बैटर है कितना अच्छे से फर्मेंट हुआ है। चलिए देखिए मैं यहाँ पर देखिए कड़ची से कैसे ऐसे जब उसको हटा रही हूँ तो कितना एक अच्छा सा फूल के उसका लेवल क्रिएट हो गया। आप देख रहे हैं कितना सुंदर से फूला है हमारा बैटर। इसी तरह हमारा बैटर फूलना चाहिए, फर्मेंट होना चाहिए। तो देखिए अभी ऐसे मैं 2 से 3 मिनट ऐसे मिक्स कर लूँगी ताकि और थोड़ा वो फूल जाए। अभी हमारा केक बनाने का प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। आपको जितना बड़ा केक बनाना है उस हिसाब से आप जो बैटर है वो यूज़ करें। तो अभी आप जैसे देख सकते हैं मैंने जो बैटर बना के रखा था फर्मेंटेड वाला, मैं दूसरे एक बाउल में उसको मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो अभी आप ये क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलमोस्ट उसका हाफ ऑफ द बैटर मैंने जितना बनाया था वो मैं यहाँ पे ले ली हूँ। अभी हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है कि हम लौकी को ग्रेट करेंगे। तो अभी आप जैसे देख सकते हैं मैंने लौकी का छिलका हटा दिया है और उसका जो अंदर का पार्ट होता है जिसमें कि बीज होते हैं थोड़े थोड़े, वो मैंने हटा दिए हैं। अगर आपके लौकी में बीज नहीं है तो आप पूरा वैसे भी यूज़ कर सकते हैं छिलका हटा के। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक ग्रेटर ले लिया है और उसको मैं ऐसे घिस लूँगी। घिसने पर क्या होगा, उसके जो छोटे छोटे रेसे जितना पार्ट निकलेगा और वो हमारे पीठा बनाने के लिए बहुत इजी होगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं लौकी खाते नहीं है, तो आप इसी तरह लौकी को उनके डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है खाने के लिए। तो अभी आप जैसे देख सकते हैं मैंने सारे जो लौकी हैं वो मैंने ग्रेट कर लिए हैं, बहुत अच्छा होता है ये। तो देखिए ऐसे बारीक होके हमारा जो लौकी है वो ग्रेट हो चुका है। तो अभी चलिए हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोसेस में। तो उससे पहले देखिए मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है और उसमें मैं 1 टेबलस्पून जितना घी ऐड कर रही हूँ। घी जब थोड़ा गर्म हो जाए उसमें मैं देखिए थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ली हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे बारीक कटा हुआ काजू लिया है, थोड़ा सा किशमिश लिया है और थोड़ा सा चिरौंजी का बीज लिया है। ये आपके जो पीठा को या फिर केक को बहुत ही क्रंचीनेस देने वाला है। तो इसको हम अच्छे से थोड़ा भून लेंगे जब तक कि हमारे सारे ड्राई फ्रूट जो हैं वो थोड़ा हल्का गोल्डन ब्राउन कलर ना हो जाए। तो अभी आप जैसे देख सकते हैं कुछ टाइम के बाद बहुत सुंदर से हमारा जो ड्राई फ्रूट्स है वो फ्राई हो गया है। तो अभी हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट बैटर बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं मैंने पहले से जितना बैटर का मुझे केक बनाना है वो मैंने अलग कर लिया था, और अभी जो हमने जितना जो लौकी है ग्रेट करके रखा था वो सारे लौकी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। आपको कितना क्वांटिटी का पीठा बनाना है आप उस हिसाब से लौकी का जो क्वांटिटी है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पे इतना लिया है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे 1 कप जितना पाउडर गुड़ लिया है। पाउडर गुड़ थोड़ा मिलाने के लिए इजी हो जाता है, आप चाहे तो नॉर्मल गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे नमक डाल रही हूँ बैलेंस करने के लिए टेस्ट को, और पहले से जो हमने ड्राई फ्रूट जो भून के रखे थे वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। मैं 2 से 3 टेबलस्पून जितना घी यहाँ पे ऐड करूँगी, ये और एक रिचनेस ऐड करेगा हमारे पीठा के रेसिपी में। और अभी मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी क्योंकि लौकी जो है हमारे बैटर में बहुत अच्छे से मिक्स होना चाहिए, तभी जाके उसका स्वाद जो है हमारे पीठा में आएगा और खाने के लिए भी बहुत अच्छा लगेगा।
देखिए मैं यहाँ पे अच्छे से थोड़ा फेंट ले रही हूँ इसको। अभी देखिए मैं यहाँ पे एक केक टीन ले ली हूँ और उसको मैं एक ब्रश की सहायता से थोड़ा सा घी से ऐसे ग्रीस कर ले रही हूँ। आप ऐसे ग्रीस कर लें ताकि आपको बाद में केक बनने के बाद डीमोल्ड करने के लिए इजी रहेगा। और यहाँ पे देखिए हमारा जो पत्तल होता है ना उसको मैंने ऐसे गोल शेप में काट लिया है और वो मैंने यहाँ पे देखिए प्लेस कर लिया है। ये अगर नीचे डाल के आप उसके ऊपर जो केक बटर डाल के बनाते हैं तो ये जो पत्तल का एक सौंधी सी खुशबू रहती है वो पीठा में वो बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। तो अभी आप जैसे देख सकते हैं मैंने जो बैटर प्रिपेयर करके रखा था वो मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है और अभी हम थोड़ा सा ऐसे ऊपर से ड्रॉप कर लेंगे ताकि अगर कुछ एयर बबल हो तो वो चला जाए। तो अभी नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ा सा कढ़ाई लिया है और कढ़ाई जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो यहाँ पे देखिए केक टिन मैं यहाँ पे रख ले रही हूँ। आप नोटिस कर सकते हैं ना ही मैंने कोई सॉल्ट एज ए बेस यूज़ किया है ना ही कोई स्टैंड रखा है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे केक टिन को रख रही हूँ। और यहाँ पे देखिए ऊपर से मैंने यहाँ पे एक लीड जो है वो मैंने ढक लिया है और अभी हम इसको पकने देंगे 45 से 60 मिनट। तो अभी देख सकते हैं तो 45 से 60 मिनट बेक करने के बाद अभी आप इसे देख सकते हैं कितना सुंदर सा कलर आ चुका है हमारे पीठा का, ऊपर से कितने अच्छे से रोस्ट हुआ है। इसीलिए तो इसको बोलते हैं लाओ पीठा या फिर लाओ पोड़ो पीठा, बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। चलिए चेक कर लेते हैं केक जो है हमारा रेडी है कि नहीं। तो अभी देख सकते हैं एक चाकू मैंने इंसर्ट किया केक में और हमारा जो चाकू है वो पूरा क्लीन आया है, इसका मतलब हमारा केक जो है बिल्कुल भी रेडी है। तो अभी देखिए कुछ टाइम के बाद मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया और अभी मैं एक चाकू की सहायता से चारों तरफ से मैं ऐसे थोड़ा निकाल लूँगी ताकि हमें डीमोल्ड करने के लिए ईजी हो। और अभी देखिए मैंने इसको अपसाइड डाउन करके कैसे डीमोल्ड कर लिया है, देखा आपने कितना सुंदर से बेक हुआ है और डीमोल्ड हो गया। और अभी चलिए हमने जो नीचे से जो पत्तल डाल के रखा था ना वो भी मैंने यहाँ पे हटा दिया है। देखिए पत्तल का एक शेप जो है पूरा कैसे आ गया है उसके ऊपर और हमारा जो पीठा है वो कितने अच्छे से बेक हो चुका है। तो आप जैसे देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट बना है ये। तो इसको हम अभी पलट लेंगे, आप इसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए उसके बाद ही उसको कट कीजिएगा ताकि वो अच्छे से कट हो पाए और आप खा पाएँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो पीठा है वो ठंडा हो गया है और अभी मैं इसको कट कर लूँगी। होपफुली आपको रेसिपी बहुत अच्छा लगा होगा। रोजो में ये बहुत पॉपुलरली बनाया जाता है उड़ीसा में। ज़रूरी नहीं है कि आप रोजो नहीं बना रहे हैं तो नहीं बना सकते, आप कभी भी बना सकते हैं, घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लौकी के बहुत सारे आपने रेसिपी ट्राई किए होंगे तो उसी हिसाब से ये रेसिपी भी ट्राई कर लीजिए और मुझे बताना बिल्कुल ना भूलिए कि आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए आप मुझे मेरे सोशल अकाउंट्स पे फॉलो कर सकते हैं, फिर से लेके आऊँगी और एक इंटरेस्टिंग रेसिपी। तब तक के लिए स्टे ट्यून।